तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों बात करने वाला हूँ आज एक छोटे से 5 रुपए के शेयर के बारे में। अब थोड़ा मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन शेयर कर देता हूँ। पहले हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न से। अब ये स्टॉक मेरी नज़रों पर क्यों आया, सबसे पहले आपको वो बता दूँ। नज़रों में दोस्तों ऐसे आया कि ये स्टॉक मनी रटीम में अगर आप देखते हो तो मैं मोस्टली स्टॉक्स में पहले स्टॉक वहीं सेलेक्ट करता हूँ। अब सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ से स्टॉक ढूंढता हूँ कि मुझे कोई यहाँ पर कुछ जादू की छड़ी मिल जाती है, ठीक है मैं एक फॉर्मूला डालता हूँ मेरे स्टॉक आ जाते हैं। नहीं, मैं यहाँ गेनर पे जाता हूँ और गेनर पे स्टॉक देखता हूँ कि आज किस स्टॉक में अच्छा खासा वॉल्यूम और ट्रेंड शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे यहाँ पर अच्छे स्टॉक मिल जाते हैं। देखो जैसे ये स्टॉक है, मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना और यही स्टॉक फ्यूचर में अच्छा बनते हैं। लेकिन मैं हमेशा कभी एक चीज़ में हमेशा फॉलो करता हूँ, आप लोग वो नहीं करते हो, मैं कभी स्टॉक को चेंज नहीं करता हूँ। जैसे मान के चलो ये देखो इसमें 20% का सर्किट लगा है इस 5 रुपये के शेयर में, तो शायद 99%, शायद क्या सही बोल रहा हूँ, 99% आप लोग रिटेल ये स्टॉक को कल बाय कर लोगे। आपकी थिंकिंग ये रहती है कि आज अपर सर्किट लगा तो मैं कल बाय करूंगा, लेकिन मेरी थिंकिंग क्या रहती है, मैं स्टॉक को 6 रुपये में नहीं बाय करूंगा, 5 रुपये बाय नहीं करूंगा, मैं स्टॉक को 3 या 4 रुपये में बाय करूंगा, समझ गए। तो ये मैं थिंकिंग के साथ पैनी स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और पैनी स्टॉक को ढूंढता हूँ मनी रिलेटिव से। तो आप चाहो तो यहाँ भी ढूंढ सकते हो, अच्छे स्टॉक आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसी प्राइस में कभी स्टॉक को बाय मत करना, वेट करना नीचे आने का। अब देखो ये स्टॉक मुझे अच्छा क्यों लगा, देखो सस्ता महंगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, अगर आपको याद होगा। इसका हाई देखो 15 रुपये, इसका लो देखो कितना है इस साल का 4 रुपये 26 पैसे। तो आप खुद देखो ये स्टॉक अपने इस साल के ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 99% स्टॉक टूट चुका है। अब थोड़ा यहाँ पर गणित समझना, सस्ता महंगे का कॉन्सेप्ट, सस्ता महंगा स्टॉक मार्केट में बहुत बखूबी काम करता है, ठीक है ध्यान सुनना। अगर आप स्टॉक को यहाँ बाई करते तो दिस इज योर क्या महंगा, ठीक है यहाँ आपका रिवॉर्ड बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ बाई करोगे तो आपका रिवॉर्ड बड़ा होगा एंड लॉस आपका छोटा होगा। देखो लॉस हम यहाँ भी ले रहे हैं, लॉस हम यहाँ भी ले रहे हैं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूँ। लॉस आप यहाँ भी ले रहे हो, कहने का मतलब आप कोई भी प्राइस में स्टॉक को एंट्री कर रहे हो तो वहां आपका लॉस है। मान के चलो, ये मान के मत चलो कि प्रॉफिट होने वाला है, लॉस मान के चलो कि लॉस होगा। तो अगर आपने यहाँ स्टॉक को बाई किया तो यहाँ भी आपका लॉस है, आपने अगर यहाँ बाई किया तो यहाँ भी लॉस है। लेकिन ध्यान से सुनो ना भाई, सस्ते महंगे कॉन्सेप्ट लगाओ ना, ठीक है बेसिक्स यूज करो कि स्टॉक्स लो से हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये अभी महंगा है, समझ गए। तो यहाँ अगर आप बाय करोगे तो लॉस आपका बड़ा होगा, अगर यहाँ बाय करोगे तो यहाँ लॉस छोटा होगा। उसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसलिए तो जो आपने सुना होगा बड़े रिटेल रिटेल मतलब वो हमेशा बोलता है कि मैं स्टॉक को महंगे में क्यों बाय करता हूँ। महंगे में इसलिए आप लोग बाय करते हो क्योंकि आप लोग चेज करते हो, आप लोग वेट नहीं करते, ठीक है। आज मैंने एक बंदे से बात कर रहा था, ठीक है कभी कभार गुस्सा भी आता है, गुस्सा इसलिए आता है कि मैं उस भाई को लगातार कह रहा हूँ, अगर वो वीडियो देखेगा अच्छी बात देखे, ठीक है लगातार कह रहा हूँ कि भाई तू अपना योगदान दे, ठीक है कुछ एनालिसिस शेयर कर, कुछ बना, ठीक है। बस वो अपनी एक राग लापते रहता है, मेरा ये हो गया मेरा वो हो गया, ठीक है। और आज अब पता नहीं उसने ट्रेड लिया या नहीं लिया, ठीक है मैं कभी ऐसे बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, उसने फालतू का ट्रेड ले लिया क्या देख के, टेलीग्राम में किसी ने मैसेज किया और उस भाई साहब ने 200 200 रुपये का ऊपर का पुट बाय कर लिया, 200 रुपये का ऊपर का पुट बाय कर लिया 3800 का, और आज मार्केट आपका गैप डाउन खुली थी, गैप डाउन खुली थी और बंदे ने पुट बाय कर लिया, इलॉजिकल। और उसने सिर्फ एक लॉट बाय नहीं किया होगा, आई एम गारंटी उसने 2 से 3 लॉट बाय किए और बोला भाई मुझे 10,000 का लॉस हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो लॉस होते हैं छोटे मोटे लॉस होते हैं 10,000 रुपये का, पैनिक चुप आप वो लेते हो फोमो के, फोमो में आके ट्रेड लेते हो, यही आपको बड़ा लॉस देके जाते हैं, ठीक है। आपके लॉस अगर आप चेकआउट करोगे जब खुद से अपने उसमें आके ट्रेड करोगे मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट, तो आपका लॉस लिमिटेड है। आप भाई मैं बताता हूँ, मैं ऑप्शन अगर ट्रेड करता मैंने आज तक कभी किया नहीं है, क्योंकि मुझे अपना पैसे से प्यार है यार, बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है मैं ऐसे फालतू पैसे नहीं कमाना चाहता, मेरे पास अभी जिंदगी पड़ी है, ठीक है सच्चाई है, मुझे जल्दबाजी नहीं है करोड़पति बनने का, करोड़पति तो हमारे भाई ने बनना है 101%, साथ में बहुत लोगों को भी बनाना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं है किसी चीज की कि भैया आज ही बनना, आज ही बनना है, क्योंकि वो हर चीज का टाइम होता है, ठीक है उसको आपको सीखना पड़ेगा, राइट। तो भाई 100 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाओ ना, मैं आपको ऑप्शन में 100 रुपये का स्टॉप लॉस बता सकता हूँ, मेरे पे है सेटअप, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ता है। 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ और 400 500 रुपये कमाओ आराम से, 4 5 गुना रिवॉर्ड मिलता है। आप बोलोगे कैसे, है मेरे पास मैं दिखा सकता हूँ अभी के अभी अभी, और आज ही मैं एक आपका
क्या बोलते हैं उसे, करेंसी करेंसी ट्रेड, आप मैं घर लेके गया हूँ एक लॉट सिर्फ, ठीक है, सिर्फ खेलने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वो क्या तरीका है कि हम उस स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, आप कुछ मत करो, चलो बताऊँ। चलो आप क्या करते, इस संडे जो प्राइवेट क्लास होगी ना उसमें आपको बतलाऊंगा, ठीक है, इस संडे जो प्राइवेट क्लास होगी उसमें बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो 1 रुपये का लॉस लेके, मतलब 10 रुपये, 100 रुपये का लॉस देके आप 1000 रुपये, 500 रुपये ले सकते हो। ये हमेशा नहीं होगा लेकिन जितने बार होगा अच्छे हो, अच्छा देखा जाएगा, ठीक है, वो है तरीका बताऊंगा, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सेटअप बनाओ ना, वहाँ बंदा 10,000 का लॉस लेके बैठा है, और उससे मैंने पूछा तेरा स्टॉप लॉस क्या है भाई, तेरा टारगेट क्या है भाई, पता ही नहीं है क्या है टारगेट, स्टॉप लॉस पता ही नहीं है, तो भाई ऐसे मार्केट काम नहीं करती, समझ गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो मैं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बोलता हूँ आपको, बोलते रहता हूँ, उसको फॉलो करो। उसके पीछे का रीज़न यही है कि लोग फोमो आके, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके बाय और सेल कर लेते हैं। अब वो इन्फ्लुएंस में इसलिए आते हैं कि उनको या तो बहुत नीड होती है या फिर वो लोगों के प्रॉफिट देखते हैं, और उनको होती है जलन, किसी को होती है जनरल, क्या बोल रहा हूँ, जेलसी होती है किसी को, और किसी को होती है क्या यार मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, मैं आज मैं भी कल ट्रेड डिग्री देखूंगा, कल आपने देखा 1 लाख का प्रॉफिट किसी का, अरे भाई मैं भी कल प्रॉफिट ट्रेड डिग्री देखूंगा और यहाँ पर लूंगा मैं 10,000 का प्रॉफिट कल। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं रखा कि उस व्यक्ति की जो 1 लाख का उसने कमाया है ना, उसके पीछे 1 करोड़ की कैपिटल उसने यूज करी है, वो चीज आपको कभी नहीं बताएगा, ठीक है। उसने प्रॉपर मनी मैनेज फॉलो किया, 1% ऑफ इट कैपिटल, या फिर आधा परसेंट ही कैपिटल उसने यूज करी है, मतलब लॉस उसने आधा परसेंट का लिया था, क्या पता 2 करोड़ की कैपिटल हो, और गारंटी उसकी कैपिटल 1 करोड़ की होगी। मैं क्या लग रहा है 10-5 लाख से कर रहा हूँ ट्रेड, नहीं 1 करोड़ होगी, समझ गए, अगर 1 लाख का प्रॉफिट वो कमा रहा है, समझ गए, क्योंकि उसको पता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचा है, उसको पता है कि यहाँ शॉर्टकट नहीं है, लॉन्ग टर्म, यहाँ लॉन्ग कट है, शॉर्टकट है ही नहीं, यहाँ लॉन्ग कट ही है, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें है, ठीक है भाई, तो भाई इस बात को ध्यान रखना। अब ये स्टॉक है तो ये सस्ता मिल रहा है, कौन से समझ आ गया क्यों सस्ता मिल रहा है, यहाँ पर आपका लॉस लगाओ, 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, सिंपल 4 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ के स्टॉक को एक्यूमुलेट करो, करना चाहते हो अगर आप, टारगेट सुन लो, आप टारगेट क्या रहेंगे। अब टारगेट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने आपको पहले बता रखे, टारगेट निकालने के तरीके वॉल्यूम कैंडल से निकाल लो, ठीक है, फिमो फिबोनाची से निकाल लो, टारगेट बॉक्स करके होता है वो लगा लो, जो आपको लगाना है उस सबसे टारगेट निकलते हैं। देखो ये जो आप बॉक्स बनाए, ये इसके टारगेट है, ये इसका फर्स्ट टारगेट है, इसका ये सेकंड टारगेट है, आप देखो अगर ये ऊपर जाता है तो 6 रुपये 90 पैसे और 7 रुपये 60 पैसे में रजिस्टर के नीचे गिर जाएगा, और यहाँ पर डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना इस एरिया में, ये इसका तगड़ा वाला रजिस्टर, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, बहुत लंबे समय तक स्टॉक यहाँ घूमेगा। आप बोलोगे सर ये सब चीजें काम कैसे करती है बताओ थोड़ा, लो दिखा देता हूँ मैं, यस बैंक का तो आपको याद होगा, लो लगा के देखो एक बार, आपको दिखेगा जादू, ये देखो यस बैंक, यहाँ पर, यहाँ ऑलमोस्ट 13 रुपए के आसपास, ये देखो बॉक्स बना, यहाँ देखो अब एक बॉक्स यहाँ बना, देखो ये रहा, जैसे ही देखो ये बॉक्स टूटा ये स्टॉक की लंका लगना स्टार्ट हो गई, स्टॉक आपका धड़ाम धड़ाम करके नीचे आ गया, और देखो दोबारा इसी एरिया में से रजिस्ट्रेशन लिया, देखो इसी एरिया में रजिस्ट्रेशन लिया लिया ना, देखो वही एरिया में रजिस्टर के नीचे गिर गया, गिर गया ना। तो ये है पावर ऑफ, कोई भी चीज लगाओ वो काम करेगी लेकिन हमेशा काम नहीं करेगी, ठीक है भाई। तो समाप्त करता हूँ क्लास को, इस वीडियो को, नजरों में रखो स्टॉक को, स्टॉक का नाम शायद आपको मैंने नहीं बताया तो नाम सुन लो एक बार, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनी के इतना अच्छे नहीं है, कंपनी के टेक्निकल्स को देख के हम अपने नजरों में रख रहे हैं, स्टॉक का नाम या ठीक है, इनकॉप लिमिटेड स्टॉक का नाम है, ठीक है, इनकॉप लिमिटेड स्टॉक का नाम है, नजरों में रखिए, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।